नमस्कार फ्रेंड्स मैं उज आप देख रहे हैं फिल्मी राज बजाइराज तो एक नए दिन के साथ आपका स्वागत है नए वीडियो में चलिए चलते नए फिल्मी स्वर पे तो आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला वैसे ही एक मूवी नहीं मतलब एक डॉक्यूमेंट्री काफी बहुत ही जबरदस्त मतलब मजा आ गया देख के मुझे मतलब इतनी जबरदस्त मतलब मुद्दे बनाई गई है पूरा ये वैसे डॉक्यूमेंट्री जानते मतलब रियल इंसिडेंसेस इंसिडेंस रहती है तो काफ़ी शानदार थी तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ क्या कि इसकी जो डायरेक्टर है वो तनुजा चंद्रा जी हैं जैसे आते काफ़ी मतलब शानदार ये डायरेक्टर हैं तो उनके मतलब क्या बुआ जी रहती है तो उनके मतलब बुआ जी दो मतलब बुआ हैं तो एक की मतलब एज है छियासी साल की एक तिरानवे साल की मतलब काफी जबरदस्त मतलब एक मुद्दे भी मूवी बनाई गई है तो मतलब तो जानते जान जानते हैं कि उनकी एज हो गई है तो वो मिलने जाती हैं तो उनके बारे में पूरा दिखाया गया डॉक्यूमेंट्री कैसे क्या चीज़ें मतलब वो मतलब एक जैसे जानते बुढ़ापे में क्या चीज़ें क्या चैलेंज चैलेंजेस आते हैं कैसे क्या कैसे जीवन का पूरा बचपन बीचा मतलब क्या क्या भी चैलेंजेस वो मतलब झेले हैं वो क्या मतलब कैसा फील करती है लाइफ में लाइफ लाइफ के बारे में पूरा दिखाया है तो मैं आज इसी बारे में पूरा बात करूंगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आप जो इंटरेस्टिंग मैं रिव्यूज़ लेके आता रहता हूँ मूवीज़ का हो गया शॉर्ट मूवीज़ का हो गया स्रीज, वेब सीरीज़ की हो गई और जो भी मैं मेरे मैं सॉन्ग पर सॉन्ग्स पर रिएक्शन बना बनाता रहता हूँ तो अगर आप इस इस टाइप के मतलब वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आप मेरा हौसला बढ़ा बढ़ाते रहिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा मतलब वीडियो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने दर्शकों को मतलब एक पूरा समाज को एक अच्छा मतलब सिनेमा दिखाने की कोशिश मतलब मेरी रहती है कि मतलब वो अच्छा सिनेमा देख सके अच्छा संगीत सुन सुन सके मतलब वो तो चलिए मैं इसकी थोड़ा टाइमिंग के बारे में बात करूँगी टाइमिंग क्या की 48 मिनट की काफ़ी छोटी डॉक्यूमेंट्री है बहुत शानदार मतलब एक हंसाती है रुलाती है मतलब और कितने मुद्दे उठाती है तो मैं सबके बारे में बात सबके बारे में बात करूँगा मतलब कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं तो ये हो गया आप इसको अम्रेजर प्राइम पे जाकर वहाँ पे देख सकते हैं जैसे क्या कि कभी कई मतलब जो फिल्म फेस्टिवल थे वहाँ पे मतलब इसको दिखाई गई थी पहले ही वहाँ पे तो अब जाके मतलब कुछ दिन हुआ तो रिलीज हुई है तो देखने का मौका मिला तो चलिए थोड़ा सा बात मैं क्या मुझे पसंद आया और क्या नहीं आया मतलब क्यों आपको देखनी चाहिए क्यों नहीं तो सबसे ज़बरदस्त देखिए स्टोरी मतलब क्या है रियल स्टोरी मतलब जो डायरेक्टर है उनकी मतलब खुद बुआ जी हैं तो उनसे मतलब देख के बनाई मतलब बनाई गई है खुद मतलब वो तो काफ़ी शानदार लगती है जो रियल स्टोरीज है क्या चैलेंज है मतलब प्यार के बारे में दिखाया गया है सभी एक मतलब भी आनते दोनों सगी बहन है कितनी भी लड़ती हैं मतलब बातें तो लाइफ में आती रहती हैं चीज़ें जो कोई भी कितना हो जाए दो लोग तो आपस में कहीं कहीं लड़ाइया तो रहती हैं तो वो भी दिखाया गया लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती तो काफ़ी शानदार दिखाया गया है और उनके इस मतलब सपोर्ट में जो मतलब उनकी सेवा करते हैं उनको भी बारे में दिखाया गया है तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब चार पाँच उनके मतलब केयर टेकर उनका मतलब जो देख रेख करते हैं तो काफ़ी शानदार उनके बारे में दिखाया गया तो ये मतलब स्टोरी बहुत ही शानदार लगी और क्या था एक्टिंग मतलब देखिए नेचुरल मतलब जानते हैं कि उनकी खुद जी हैं तो काफ़ी नेचुरल एक्टिंग मतलब एज के हिसाब से जो भी मतलब एक्टिंग देखिए आप मतलब चाहे वो आप दुख मतलब सैडनेस की मतलब सीन देखिए जाए आप इसमें कॉमेडी भी काफ़ी मतलब हंसे हाँ हंसी भी आती है देख के कई मुद्दे हैं तो मतलब खुल के पूरा हँसते इतने ज़्यादा एज होने के बावजूद भी तो काफ़ी मतलब एक जबरदस्त पूरा एक्टिंग लगी मतलब नेचुरल एक्टिंग थी ये हो गया और सिनेमोट्रोक्राफी काफ़ी काफ़ी जबरदस्त की गई है मतलब जो भी नेचुरलिटी गाँव की है वैसे उत्तर प्रदेश की मतलब कहानी दिखाई गई है दिल्ली से कुछ किलोमीटर रहता है तो वहाँ पे ये है तो और जो मतलब तनुजा चंद्रा जी हैं तो उनका भी मतलब वो दिखाया गया तो वो है तो वो उसमें एक्ट की हैं तो काफ़ी शानदार लगे म्यूज़िक में थोड़ा जो भी चलती रहती है बैकग्राउंड और कुछ गाने मतलब होली सीन्स दिखाए गए तो काफ़ी शानदार मतलब कैसे भी इन्जॉय करती है मतलब अपने मतलब बुढ़ापे में भी मतलब इन्जॉय करती है अपने हिसाब से वो लाइफ जीना चाहती है तो ये हो गया और ये मैसेज मतलब देती है कि मतलब क्या कि थोड़ा हमें मतलब जो हमारे ओल्ड एज मतलब जो भी है हमारे बुजुर्ग हैं तो उनकी मतलब हमको मतलब सबको मतलब सहायता करनी चाहिए उनको मतलब देख रेख करनी चाहिए उनको केयर करनी चाहिए उनकी और कई मुद्दे भी उठाते हैं इसे वो पेपर पढ़ती रहती हैं दिखाया गया कि कि मतलब एक क्या है कि अपने मतलब जैसे कि आज शराब पी के मतलब नशे में धुत होकर मतलब अपने वाइफ को ही मार देता है तो वो काफ़ी मतलब अजीब उनको लगता है और ये भी एक दिखाया गया कि मतलब एक जो वाइफ है वो अपनी बच्ची को मतलब पैदा हुई है छोड़ के वो मतलब अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तो मतलब कई सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए थोड़ा देखें ऐसी भी आती है कि हाँ कोशिश किए गए और पेंशन जैसे क्या आती है उनकी पेंशन जो रहती है मतलब गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उनकी बढ़ जाती है तो वो भी दिखाया गया वो बहुत खुशी होती है हम तो मतलब एक क्वालिटी लाइफ में मतलब इंजॉय करते हैं हिसाब से मतलब बहुत मतलब उच्च मतलब उच्च क्वालिटी मतलब हिसाब से रहते हैं वो लाइफ में अच्छा ही करते हैं मतलब हम लोग कुछ मतलब छोटा वो नहीं करते तो ये सब मतलब उनकी कंडी मतलब जो भी लाइफ स्टाइल थे काफ़ी शानदार दिखाया गया मतलब देख के मतलब आप देखेंगे आप मतलब आपको हंसाएगी रुलाएगी और पूरा मतलब बांधे रखती है पूरा ये काफ़ी शानदार कई का मुद्दे भी उनके मतलब एक बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी मैंटेलिटी क्या रहती है ये सब चीज़ भी हैं क्या उन, उनके चैलेंजेस रहते दिखाया गया वो चल भी नहीं पाती हैं दोनों सहायता चल, सहायता चलती हैं तो ये सब चीज़ें हैं खाने की बहुत शौकीन रहती कई चीज़ें मतलब आप जैसे क्या है कि मतलब एक रियल जो कहानियाँ परिवार में रहती है आप खुद मतलब जुड़ जाते हैं तो काफ़ी शानदार ये लगी और थोड़ा सा मैं निगेटिव मतलब क्या बात करूँ जो मतलब मतलब किस लिए अवॉइड कर सकते हैं सबसे पहली कम मतलब चीज़ यही है कि अगर जो मतलब ये जानते हैं प्योर एक मतलब जो है कमर्शियल सिनेमा प्योर मतलब ये ड्रामा दिखाया गया है मतलब नेचुरल है वो तो ये हो गया तो अगर जो मतलब उस टाइप की मतलब मूवीज पसंद नहीं करते डॉक्यूमेंट्री तो उनको नहीं पसंद आएगी पूरा आर्ट मतलब सिनेमा है ये और ये थोड़ा कमी हो गई तो मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए और जो सेकंड हो गई क्या थोड़ा डिटेलनेस नहीं है अगर थोड़ा और डिटेलनेस दिखाती टाइम बढ़ा सकती तो कोई दिक्कत नहीं थी डेढ़ घंटे के कर सकती थी सवा घंटे तो और मतलब डिपली जाती जिससे बस उनका थो थोड़ा दिखाया थो अगर थो ज्यादा और जाती है हाँ जब भी थोड़ा भूल गया मैं क्या था कि मतलब उनके वो विडोज हैं मतलब कि विधवा हैं तो मतलब उनके हस्बैंड हस्बैंड नहीं रहते हैं तो क्या चैलेंज है अकेले रहती हैं वो गांव में आके रहती है नेचुरल चीज़ें उनको पसंद है ये हो गया और नेगेटिव ये भी थोड़ा रहा कि मतलब टाइम तो बता दिया भाई थोड़ा कम थी बाकी वही शानदार मतलब कई मैसेज देती मतलब एक अलग ही फील होता है देख के मतलब मजा आता है तो ये था तो आशा करता हूँ आज का मतलब जो रिव्यू था ये अच्छा लगा हो जहाँ तक पेरेंटल गाइडलाइन की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मतलब आप पूरा अपने फैमिली के साथ देखें वापसी आप मतलब आपके फैमिली में जो भी बुजुर्ग हैं जब भी मतलब आपको टाइम मिलती है तो इस मूवी को मतलब डॉक्यूमेंट टू प्लीज़ आप इसको मतलब अपने मतलब दादी दादा जो भी है मतलब उनके साथ शेयर करिए उनको मतलब खुद दिखाइए तो काफ़ी शानदार मतलब अच्छा मतलब वो भी उनको भी अच्छी लगेगी मतलब कैसे क्या चीज़ें चलती हैं तो मैं, मैं देखिए मतलब थोड़ा भावुक भी हो गया मुझे देखने हंसी भी आ रही थी मतलब थोड़ा रोना भी आ रहा था काफ़ी जबरदस्त लगी है तो ये है मेरी कोशिश यही रहती है मतलब आपको अच्छा सिनेमा दिखाया जाए तो ये था तो काफ़ी मतलब सबको अपने बच्चों को भी दिखाइए मतलब कैसे क्या चले जाते हैं मतलब वो है मतलब जैसे आनते कि आज का मतलब युग ऐसा है कि मतलब बच्चे भी कटे कटे अपने ही रहते मोबाइल में बिजी रहते तो काफ़ी मतलब एक बहुत सीख मतलब देखे जाती है ये हो गया तो जहाँ तक स्टार की बात है मैं इसे पाँच में से चार स्टार दूंगा काफ़ी जबरदस्त हंसाती रुलाती है कई मतलब मुद्दे भी उठाती है कहीं सीख भी हमको देती है तो ये था आज का रिव्यू तो आशा करता हूँ रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में आके बता भी सकते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाकी मिलते हैं किसी नए दिन के साथ किसी नए रिव्यू साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय जय हिंद